गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे आप लोग हो? कि आप सभी बढ़िया हैं, मज़े में हैं? मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे हो, होप करती हूँ मैं। शालू फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। आपने मेरा जो करवा चौथ का ब्लॉग था उसमें बहुत सारा प्यार दिया। आप लोग मेरे मुझे आने वाले सारे ब्लॉगों में इतना ही प्यार दे दीजिए, मैं इतने में भी खुश हूँ। क्योंकि जितना मिले आदमी को उतने में खुश रहना चाहिए, तो मैं खुश हूँ इतना मिल रहा है मुझे। बाकी मैंने ना करवा चौथ की जो मेहंदी थी वो शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मेरा ये छोटा सा क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने एक लड़की बुलाई थी और ये है जानकार में ही, बट आप लोग नहीं जानते हो, इसका नाम है नंदनी। और ये मेहंदी लगाने के लिए 12:30 बजे रात को आई थी, क्योंकि 12:30 बजे ही फ्री हुई थी। ये मेहंदी लगाने के लिए अपनी टीचर के घर गई हुई थी, और उससे पहले अपने घर वालों को भी शायद लगाई रही थी, या पता नहीं जाके लगाएंगी। तो ये 12:30 बजे रात को आई थी और 1:30 बजे अपने घर वापसी चली गई थी। तो आगे की मेहंदी मेरी हो गई है कम्प्लीट, और ये कर रही है अभी पीछे के जो मैंने हाथ पा किया हुई थी डिज़ाइन। तो जब तक ये डिज़ाइन कर रही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मेरे ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहा है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, कमेंट कर देना, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग इंजॉय करते रहें। और आप लोग इंजॉय करोगे तो मैं भी इंजॉय कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है ही, और साथ में आपके कमेंट की ज़रूरत भी है। तो आप लोग मुझे कमेंट भी करते हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको कि आप लोगों के कमेंट पढ़ने से है ना, मुझे ना थोड़ी है ना वो मिलती है, क्या बोलते हैं उसे, मुझे ना पता। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मेरा यहाँ पे मेहंदी हो गई है पीछे हाथ की भी कम्प्लीट, और यहाँ पर बस ये फ्लावर्स ही बनेगा और कुछ इतना ख़ास नहीं बनवाना है। क्योंकि एक हाथ में जो था ना वो नॉर्मली जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना वो बनवानी है। तो मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी, ये है नेक्स्ट व्लॉग अगले दिन का, जिसमें मैं रेडी होगी। मैंने चूड़ी पहन ली है, मैंने बाकी अपना साड़ी वगैरह सब वेयर कर लिया है। और यहाँ पे मैं ना जो सेंट डाल के बैठी हूँ गले में, इसके जो एयरिंग्स थे वो बहुत छोटे से थे, इसीलिए मैंने सोचा कि ना मैं ये वाले डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे छोटे एयरिंग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किस किस को पसंद नहीं है मुझे बताना ज़रूर, मेरी की तरह मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी मैं यहाँ पर हो गई हूँ रेडी, और फटाफट से जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि दीदी को फ़ोन करके यहाँ पर बुला लिया है, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है और मम्मी वहाँ जा नहीं सकती है, इसीलिए हम दीदियों को यहीं पे बुलाएंगे। तो दोनों दीदियों को फ़ोन करते हैं, वो आने वाली हैं। तब तक आप मेरी होई माता देख लीजिए। ये हमारी होई माता है, ये मम्मी ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे आती नहीं है, पर अब मुझे सीखनी पड़ेगी क्योंकि मम्मी की होने लगी है तबीयत ख़राब। और मैं तैयार होने के बाद नीचे आई थी आई लाइनर लगवाने के लिए, बट मेरे से हो गया ये कांड, ये फूट गया और मेरा आई लाइनर सारा गिर गया। और यहाँ पर मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, वापस ही मम्मी को बुखार हो गया है। हाँ, मेरी को ये रही क्योंकि कपड़े धो रहे हैं ना। देखो इनकी तारीफ लगाई है, अब हमें तो स्टील लगानी पड़ेगा। ले यही ना बैठी रहूं मैं, 800 की तो बता देना। ले क्या थी बाबा आवाज, सात ही थी आवाज तो। एक नानंद है तो मैं उनकी माँ कहने लगी जाओ पेड़ लिया खोद कर मट्टी, वह बहू कहने लगी मुझे दे दो मार्च लाने, अब हमने हम जावे ले आगे मैं मट्टी लेने चली गई, वहाँ नड़न भी जान चली गई, अब मैं भी जाऊँगी, अब ना भी तब मत चलो घर गए, हम अपने आप ले आएंगे, इतना मैं तो जाऊँगी, चली गई भाभी जाते जाते हो। और वहाँ जैसा मट्टी खोदने लगी नंद ने जिद कर ली, मैं खोदूँगी मट्टी तो अपना, हमने खोदन देते तुझे, तेरा कुछ हो गया ना, अब तेरे भाई हमें टिकन नहीं देने के मार के गिर देंगे, तू हम नहीं खोदन देते तुझे, अब मैं खोदूँ ना कतई ना टाल करूँ मट्टी, सांप के बच्चे आए हैं,
कितने खुलते हैं, मारा उतने साथ के बच्चे पता है, मिलने कितने मारा उतने साथ के बच्चे पता है, पट्टो पट्टो सांपन बगी आई, अब मैं तो तेरे कोक तो बैठ लूँगी उसे लोंडे अब कहने लगी गाँव जो तो रो का पाँव लगी पड़ी अच्छा इसके भाइयों को इसके माँ को पता लग जाएगा हमें तो मैं दिन रोल मार देंगे तू मेरी कोक पर बैठ कर अब ठीक है मैं तेरी पर बैठ लूँगी आई फोन कर देने फोन कर देने और आई बस है हम हॉट है ना बस है और ओए इधर आ जाओ कहने लगी अब जल्दी जल्दी हो पूज लो जल्दी जल्दी झाड़ू पोचा कर लो सारी उन्हें अपने पोते फेर लिए झाड़ू कढ़ाई चढ़ा दी पूड़े पूड़े पापड़ी तार लिए अब उसका तो एक बेटा पूजने के टाइम खत्म हो गया अब क्यों तो उसकी कोख पे बैठी थी वो तो लेगी सारों को फिर दूसरी वही आई सब अपना पूजा मीन से आवा बिछाड़ी अपना कुछ ना करे रोन रोवे रिंगा सावत दिन ना झाड़ू ना पोचा कुछ ना करा क्यों जब एक मर गया तो उसे तो दुख बहुत भारी था कोख पर बैठी थी माता रानी फिर वह दूसरा मर गया मतलब के सो गाइज एक कहानी हमारी हो गई है कंप्लीट जो मम्मी ने कही थी ज़्यादा मम्मी से बोला नहीं जा रहा था इसलिए दूसरी कहानी मम्मी कह रही थी सॉरी बड़ी दीदी कह रही थी और ये बीच में अटक रही थी शायद ये भूल गई है क्योंकि हमेशा मम्मी ही कहती आ रही है तो जी बीच में दीदी रुक जाती है ना तो मम्मी बीच में बता देती है बट हाँ दीदी मम्मी के बाद दीदी ही सुनाती है हमें कहानी आने को तो बीच वाली दीदी को भी आती है पर बड़े वाली दीदी सुना देती है तो अभी हम यहाँ सुन रहे हैं दूसरे वाली कहानी बड़ी दीदी से और सो गाइस हमने कहानी अपनी कर ली है पूरी और जो भी हमारे हाथ में था वो हम रुमाल में बांध रहे थे आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा आप लोगों के यहाँ पे कैसे कहा जाता है कैसे कहानी सुनाई जाती है प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर मैंने तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और हम आ गए हैं पे सूरज को पानी देने के लिए और यहाँ पे अपना अपना जो लोटा है हम पकड़ेंगे दो दो तरीके से लगते हैं पर मम्मी नीचे से ऊपर आ नहीं सकती थी तीसरी मंजिल पे इसलिए मैं अकेली थी और दीदी दोनों की वो साथ में थी बाकी मैं बनाने लग गई थी चाय मैं ऊपर चाय बना रही और नीचे दोनों दीदियाँ आके मम्मी के पैर दबा रही थी कहानी सुनने के बाद पैर भी दबाने होते हैं तो किस किस के यहाँ पे ऐसे ऐसे रिवाज हैं प्लीज़ शेयर जरूर करना हमारे यहाँ पे ऐसे रिवाज है कहानी सुनने के बाद सासू के जेठानियों के पैर छूने होते हैं सास के दबाने होते हैं जेठानियों के छूने होते हैं पर यहाँ पे हमारा अभी चाय बन रही है ऊपर तो मैंने अभी कुछ किया नहीं है तो मैं आप लोगों को दिखूँगी भी नहीं बाकी ये दोनों दीदियों ने अपनी अपनी सासू माओं के मेरी सासू माओं के पैर छू लिए हैं पैर छू लिए इन लोगों ने दबा लिए और अब हम चाय पानी पियेंगे और थोड़ी सी बातें शातें करेंगे बाकी ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को वो बताना ज़रूर कमेंट में होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और यहाँ पे मैं ले आई हूँ चाय आप लोग भी चाय पीजिए इंजॉय कीजिए और मैं भी चाय पीती हूँ इंजॉय करती हूँ बाकी इस ब्लॉग को मैं करने वाली हूँ यहीं पे एंड होप आप लोगों ने इंजॉय किया हो तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है हम पी लेते हैं चाय और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज थैंक यू सो मच इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद